हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज बैक एंड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि सिर्फ फ्रंट एंड से लेके कुछ नहीं काम होगा, बैक एंड अगर होगा ही नहीं तो कुछ भी काम नहीं होगा। लाइक अगर तुम्हारे गेट के बाहर में लिखा हुआ है कि ये घर तुम्हारा है और अंदर में घर है ही नहीं, ठीक है, तो उस घर का कोई फायदा नहीं होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को मैंने बता दिया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होता है ये होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू बैक एंड डेवलपमेंट। जो मेन प्रॉब्लम आता है, जो मेन चैलेंजिंग आती है, चैलेंजिंग वो होता है, चैलेंज होता है, वो बैक एंड में होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक तुम एटीएम मशीन पे गए, हम सब एटीएम मशीन जाते हैं, तुम अपना एटीएम कार्ड उसमें डाले, इंसर्ट किए, और उसके बाद वहाँ पे बाहर में आता है कि टाइप योर पासवर्ड, कैश विड्रॉ, कहाँ से निकालना है, सेविंग से निकालना है, करंट अकाउंट से निकालना है, या फिर आपको रिसिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है ये फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाया है, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है जो तुमको बाहर में दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अंदर में तो कुछ होता होगा ना, कैसे वो तुम्हें पैसा दे देगा, उसको कैसे पता चलता है कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो बैकएंड में हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो इसको कहते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। एग्जांपल से क्लियर हो गया बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब और एक बात करते हैं कि अगर एज अ बैकएंड डेवलपर तुम्हें आगे बढ़ना है। देखो, कॉलेज का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो एक्सप्लोर करने का होता है। एक्सप्लोर करोगे कि तुम्हें किस में मजा आ रहा है, फ्रंट एंड में मजा आ रहा है, बैकएंड में मजा आ रहा है, किस में मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो होता है वो एक्सप्लोर करने का होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे, अगर तुम बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में सोचते भी हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि अगर तुम कंप्यूटर साइंस से गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें हेल्प कर देगा बैकएंड डेवलपर बनने के लिए। या अगर तुम किसी और ब्रांच से हो तो तुमको बैकएंड डेवलपर बनने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, वो तुम्हें आना चाहिए। जैसे अगर तुम बैकएंड डेवलपमेंट की बात करते हो तो बैकएंड में दो चीज होता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको एक कहते हैं सर्वर साइड, एक कहते हैं सर्वर साइड और एक कहते हैं डाटाबेस, ठीक है। अब दोनों क्या क्या चीज होती है ये मैं बता रहा हूं। सर्वर के पीछे हमारा डाटाबेस होता है। डाटाबेस का मतलब होता है जहां पे डाटा स्टोर होगा, कोई भी डाटा है वो कहीं पे स्टोर होगा, कहीं पे उसको रखा जाएगा, तो उसको हम लोग डाटाबेस कहते हैं। सर्वर साइड क्या होता है? सर्वर साइड होता है जो क्लाइंट इंटरेक्ट करता है डाटाबेस से थ्रू सर्वर साइड, ठीक ना। तो इसको हम लोग सर्वर साइड डेवलपमेंट कहते हैं बैकएंड डेवलपमेंट को। बैकएंड डेवलपर बनने के लिए तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा उब्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोई सा भी यूज कर सकते हो, पाइथन, जावा, रूबी, पीएचपी, ये कोई सा भी लैंग्वेज यूज हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज अगर आ गया तो दूसरा लैंग्वेज सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर तुमको C++ बहुत अच्छे से आ गया तो तुम जावा में बहुत जल्दी उसको कोप अप कर लोगे जावा के साथ। और अगर तुम्हें जावा आ गया तो तुम अगर चाहते हो पाइथन सीखना तो पाइथन भी सीख सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और लैंग्वेज होता है जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रंट एंड में यूज होता है, वो जावास्क्रिप्ट बैक एंड में भी यूज होता है, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है। उसमें नोड जेएस की बात आती है। जावास्क्रिप्ट जो है नोड जेएस के साथ मिलकर बैक एंड डेवलपर के तरह काम करता है, ठीक है। तो एज अ बैक एंड डेवलपर तुम्हें क्या आना चाहिए? एज अ बैक एंड डेवलपर तुम्हें एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो सकता है? आइदर पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। पाइथन, जावा, पीएचपी, रूबी, ये सारा कुछ हो सकता है। तो तुम इसमें से कोई सा भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज चुन लेना। बेसिकली बहुत सारी कंपनी पाइथन सेलेक्ट करती है, मैक्सिमम कंपनी जावा यूज करती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें जावा अभी नहीं सीखना है तो सबसे पहले C++ तो सीख लो। C++ आ जाएगा फिर जावा में शिफ्ट करना, आसान होगा शिफ्ट करना। थोड़ा बहुत C++ का बेसिक बना लो फिर जावा में शिफ्ट करना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तुम्हें डाटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। डाटाबेस का मतलब क्या हो गया? जहां पे डाटा स्टोर होगा। तो उसके लिए MySQL सिंपल एक बेसिक है जो तुम्हारे सेमेस्टर में भी होगा, गेट के सिलेबस में भी डाटाबेस में SQL लैंग्वेज है, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक ना। तो वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में कुछ खास नहीं होता है, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे टेबल में हम डाटा भेजेंगे, टेबल से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, डाटा कैसे डिलीट करेंगे, ये सब कुछ तुम्हें सीखने को मिलता है। तुम एक्सप्लोर करोगे तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया पहले बैकएंड के लिए एक लैंग्वेज, दूसरा हो गया कि तुम्हें एक डेटाबेस लैंग्वेज भी पता होना चाहिए, तीसरा जो कि साथ साथ हो जाता है, जिसको बहुत ही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं एपीआई मैनेजमेंट या एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब हो गया, ये होता क्या है, जैसे तुमको एग्जाम्पल से बताते हैं कि लाइक तुम जैसे कोई वेबसाइट पे खोले, वेबसाइट ओपन हुआ तो वहां पे बोलता है कि आपको लॉगिन करने के लिए, तो दो तरीके से लॉगिन किया जाता है। पहला तो वो वेबसाइट पे जाके हम अपना फॉर्म बनाए, सब कुछ बनाए, तब लॉगिन हो जाता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के। दूसरा वो ऑप्शन दे देता है कि गूगल से
लॉग इन कर लीजिए। ये क्या होता है, ये क्या मिस्ट्री है? जैसे ही गूगल से हमें साइन इन करने के लिए कहता है तो हम जैसे ही उसको साइन इन करते हैं तो वो हमारा बैकएंड में जाता है गूगल सर्वर के पास। वो एपीआई है, एपीआई के थ्रू गूगल सर्वर के पास जाके बोलता है ये एक बंदा है जो मेरे वेबसाइट पे आना चाहता है, क्या आपके पास इसका कोई इंफॉर्मेशन है? गूगल बोलता है हाँ, पहले से इसका मेल आईडी मेरे पास है, इंफॉर्मेशन मेरे पास है, बंदा जेन्युइन है, आप इसको जाने दे सकते हो, ठीक है? तो ये जो होता है इसको एपीआई गेटवे कहते हैं। ये सब तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, लेकिन पहले तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर तुम एज अ बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो। बैकएंड डेवलपर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है, ठीक है? तो इफ यू वांट टू बिकम अ बैकएंड डेवलपर यू मस्ट नो वन लैंग्वेज, यू शुड नो मल्टीपल लैंग्वेज, बट दैट इज नॉट अ केस। बट एक लैंग्वेज तुम्हें पता होना चाहिए, वो या तो पाइथन हो सकता है, जावा हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट विथ नोड जेएस, ठीक है? तो हम अभी जावा की बात करते हैं। दूसरा हो गया डाटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस होता है जिसमें तुम्हें SQL, SQL लैंग्वेज तुम्हें आना चाहिए, और उसके साथ साथ तुम्हें API मैनेजमेंट, API क्या होता है, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है। जब तुम वेबसाइट क्लिक करते हो तो वहाँ पे साइड में तुम्हें दिखता होगा HTTP, HTTPS, ये सब का एक अपना मतलब होता है। तो आई होप कि तुमको बैकएंड के बारे में समझ में आया गया। लेकिन इन सब के साथ इस सबसे पहले तुमको AlgoDS आना ही चाहिए। क्यों? Why I'm talking about always AlgoDS? Because time complexity तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कोई वेबसाइट अगर ओपन करेंगे तो वो सर्वर से कितना जल्दी कम्युनिकेट करेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ जाती है। तो तुम्हें DSLGO तो आना ही आना चाहिए, उसके साथ मैंने जो तुम्हें पहले बताया वो। होप करते हैं इस वीडियो में तुम्हें क्लियर होगा। आगे की वीडियो में हम कुछ और लाएंगे, क्लाउड के बारे में बताएंगे, आगे की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, और भी बहुत सारा चीज़ है। लेट्स एंजॉय करते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू गाइज़।